जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ, उसमें दो टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले ये है कि आप इजीली, बहुत ही आसानी के साथ आप अमेज़ॉन के ऊपर दुबई में और कैसे में अकाउंट कैसे बनाते हैं। इट्स अ सो सिंपल। दो चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं। एक तो ये आपको ज़रूरत होता है वहाँ का आईडी। अगर आप यूएई में रहते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन कि जिसके पास वैलिड एमिरेट्स आईडी हो, उसके साथ साथ उसके पास बैंक अकाउंट हो, वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। अब इसमें टेक्निकल चीज़ क्या है? इसमें टेक्निकल चीज़ ये है कि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हमें प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, या हमें उसके साथ दीवा का बिल चाहिए होता है, इतिसलात का, टू का, या किसी भी गैस कंपनी का इसका बिल चाहिए होता है वेरीफिकेशन ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएई के अंदर आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती। इवन के जो आप अकाउंट बना रहे होते हैं, आप वहाँ पे अकाउंट डिफरेंट एड्रेस डिफरेंट लिख रहे होते हैं, और उसके साथ आप की जो स्टेटमेंट आप लगा रहे होते हैं उस पर एड्रेस डिफरेंट होता है, तो किसी किस्म की ऑब्जेक्शन अमेज़ॉन वाले नहीं करते। वो आपका अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रूफ ऑफ नेम के लिए उसकी ज़रूरत होती है। अब द क्वेश्चन इज़ कि वहाँ पर मोस्टली ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर ब्लू कलर जॉब करते हैं, और उसके साथ उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता, उनके पास एक लेबर कार्ड बना होता है, सैलरी कार्ड हम जिसको बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो किसी किस्म की स्टेटमेंट ही नहीं है। उनके लिए सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका वो जो कार्ड बना होता है वो किसी एक्सचेंज कंपनी से वो एसोसिएट होता है। लेट सपोज अल अंसारी एक्सचेंज है वहाँ पर, वो वहाँ पर जाएंगे, जिस भी कंपनी से एसोसिएट होगा उनको 20 दिरहम उनकी फ़ीस है, वो उनको दे के और वो उसकी स्टेटमेंट ले लेंगे, स्टेटमेंट के ऊपर उसका नाम लिखा होगा। तो आईडी की ज़रूरत होती है, उसके बाद स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर स्टेटमेंट नहीं है आपके पास, दीवा का बिल है, नॉर्मली दीवा का बिल, तेसरात का बिल, डू का बिल, ये नहीं होता वहाँ के ब्लू कलर जॉब करने वालों के पास। वो बेचारे ऑलरेडी शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे होते हैं कि जहाँ पे एक कमरे के अंदर 20-20 लोग भी रहते हैं, 3-3 बेड लगे होते हैं ऊपर नीचे, तो वो इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक और टेक्निकल बात मैं आपको बता दूँ कि जो सैलरी कार्ड होता है अमेज़ॉन पर, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो आपसे चार्ज मैथड मांगता है। चार्ज मैथड मीन्स कि आप अभी तो इन यूएई के अंदर आपका मंथली सब्सक्रिप्शन अवेलेबल, मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो मंथली सब्सक्रिप्शन जब एक्टिव होगी उसके बारे में अमेज़ॉन बाद में बताएगा, तो वो फिर भी एक चार्ज मेथड आपसे मांगते हैं। उसके लिए अगर आपका अकाउंट नहीं भी है तो आपके पास जो सैलरी कार्ड है उसके ऊपर जो 16 डिजिट दिए होते हैं आप वो एंटर करेंगे, उसके बाद आप कार्ड की एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे, दैट्स इट। उसके लिए सीसीवी कोड की ज़रूरत नहीं होती। तो आपका कार्ड जो है वो 1 दिरहम चार्ज करेंगे आपके कार्ड से, टू सी कि आपका कार्ड जो है वो एक्टिव है, और वो 1 दिरहम जो है वो वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। तो उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत उस चीज़ की होती है कि जो आपके पास पहले से मौजूद ना हो, वो आपको फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है, वो सबके पास होता है। आपको वहाँ पे एक एड्रेस की ज़रूरत होती है, हर कोई कहीं ना कहीं रह रहा होता है, वो एड्रेस भी दे सकता है। वो इस तरीके से अपना अकाउंट जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में यही कह रहा हूँ कि आप लोग कैसे की और यूएई की मार्केट को, उसमें एंटर हों, उसको आप उसके ऊपर अकाउंट बनाएं, और ख़ास तौर पे अगर आपके जानने वाले कोई हैं उनसे आप एक छोटी सी पार्टनरशिप कर लें। मैंने भी यही मॉडल अडॉप्ट किया था, उसके बाद बाकी स्टोर तो बाद में बनाए। जब मैंने यूएई से स्टार्ट किया था, केएसए से स्टार्ट किया था, तो मैंने एक पार्टनरशिप बेस के ऊपर स्टार्ट किया था कि मैंने वहाँ पर अपना अकाउंट बनाया था, और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ से पाकिस्तान से मैंने सोर्स की थी, वो एक टाइप ऑफ पार्टनरशिप क्रिएट हो गई थी मैनुफैक्चरर के साथ और मेरे साथ। तो उसके अलावा जो है वो किसी किस्म की कोई स्ट्रगल आपको नहीं करनी पड़ती। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अगर आप सऊदी अरेबिया में अकाउंट बना रहे हैं, मैं कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था कि सऊदी अरेबिया में अकाउंट बनाने के लिए आपको वहाँ के लोकल की, मीन्स के जो सऊदी नेशनल है, उसके आईडी की आपको ज़रूरत होती है, और डेफिनेटली उसके बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत होती है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आप अगर सऊदी अरेबिया में रहते हैं, आप लीगली वहाँ पर रह रहे हैं, आपके पास वहाँ का आईडी है, तो आप इजीली अपना अकाउंट वहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। अमेज़ॉन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप अगेन, आपके जो रिक्वायरमेंट हैं डॉक्यूमेंट्स की, वो रिक्वायरमेंट्स आपकी यही रहती हैं, आईडी, और उसके साथ आपकी किसी भी किस्म का प्रूफ ऑफ नेम के लिए। मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, प्रूफ ऑफ एड्रेस, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, किसी और कंट्री में बैठे हैं, उसके लिए
आपसे पूछा जाता है, बाकी चीज़ों के लिए जो है वो आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस इन कंट्रीज के अंदर आपसे नहीं पूछते वो। तो ये दो चीज़ें होगी। उसके अलावा एक चीज़ और है, वो चीज़ ये है कि आप किस तरीके से ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सॉरी मोटरवे वाले आगे थे, मैं आई बिलीव ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा था, तो वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो ये है कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जैसे कि वाइट कलर जॉब लोग करते हैं उनके पास सिंपल से एक सैलरी कार्ड होता है, वो बैंक अकाउंट नहीं होता। जब आप चार्ज मेथड में डिटेल्स दे रहे होते हैं, वो आपका डेबिट कार्ड भी हो सकता है, वो आपका क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, उसमें आपको अकाउंट नंबर नहीं, उसमें आपका अपना कार्ड नंबर देना होता है। और जब आप डिपॉजिट मेथड के लिए डिटेल्स देते हैं, डिपॉजिट मेथड का मतलब है कि जो भी आप सेल करेंगे अमेज़ॉन, वो पैसे आपके अकाउंट में जमा करवाएगा, उसके लिए वो आपसे कार्ड नंबर नहीं, वो आपसे अकाउंट नंबर मांगते हैं। और इन केस अगर आपके पास अकाउंट नंबर है तो आप उसकी डिटेल्स दे देंगे। अब अमेज़ॉन की एक खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं, आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, लेट्स सपोज अकाउंट मेरे नाम का बना हुआ है और मेरे दो तीन अकाउंट ऐसे हैं कि जिनके ऊपर मैं सेम प्रैक्टिस जो है वो इस तरह की है, और दिस इज़ नॉट समथिंग रॉन्ग, अमेज़ॉन आपको अलाउ करता है, आप बिल्कुल कर सकते हैं उसको। तो सिंपल इज़ दैट, अगर एक अकाउंट किसी ने बनाया हुआ है और वो उसमें आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को चेंज करना चाह रहा है और वो किसी और की रखना चाह रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं। मीन्स अगर अकाउंट ज़ुल्करनैन के नाम का बना हुआ है और उसमें कार्ड डिपॉजिट मेथड या डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट डिटेल्स वो ज़ुल्करनैन के नाम की दी हुई हैं और आप उसको चेंज करके मिस्टर काशिफ, मिस्टर मुदस्सिर, मिस्टर मुजम्मिल के नाम पे करवाना चाह रहे हैं, आपके पास असेस होती है, आप वहाँ पे जाएं, आप बैंक डिटेल्स को जाके एडिट करें और उसके अंदर उस थर्ड पर्सन के आप डिटेल्स डाल दें, अमेज़ॉन को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैंने एक बात की कि आप पार्टनरशिप बेस के ऊपर जो है वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो उसमें आप अकाउंट डिटेल्स, अगर अकाउंट किसी का है, अकाउंट डिटेल्स आप किसी और को देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। अब जहाँ तक बात है नून की, नून के हवाले से भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ noon.com लवर्स वालों के लिए, जो उनको नहीं पता होगी, वो ये है कि नून के ऊपर जब आप बिजनेस करते हैं तो नून की रिक्वायरमेंट है कि आप वहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट अपना ओपन नहीं कर सकते, वहाँ पे आप अपना प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करते हैं और उसके लिए आपको कंपनी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, मीन्स कि आपकी कंपनी होनी चाहिए। अब जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको अच्छे से तरीके से पता होगा कि कंपनी की वहाँ पे कैटेगरीज हैं, मीन्स के आप अगर ट्रेडिंग का काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास ट्रेडिंग कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए, आप अगर लॉन्ड्री का काम करना चाह रहे हैं उसका होना चाहिए, आप अगर रेस्टोरेंट का काम करना चाह रहे हैं आपके पास रेस्टोरेंट का लाइसेंस होना चाहिए, तो मीन्स सर्विस करना चाह रहे हैं तो आपके पास सर्विसेज का लाइसेंस होना चाहिए। अब इसमें मैं आपको दो चीज़ें वेरी क्विकली बता दूँ नून के हवाले से, मैं स्पेशल नून की वीडियो नेक्स्ट बनाऊँगा भी सही, वो ये हैं कि अगर आपने लाइसेंस बनवाना है तो आप दुबई का लाइसेंस ना बनवाएं, आप एक तजर्बा करें कि आप नून वालों को कॉल करें और उनके कस्टमर सपोर्ट से पूछें कि भाई हमने लाइसेंस बनवाना है तो आप किसी और स्टेट का लाइसेंस एक्सेप्ट करेंगे, समटाइम कहते हैं करेंगे, समटाइम कहते हैं नहीं करेंगे, हालांकि वो करते हैं। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, आप दुबई से लाइसेंस ना बनवाएं, दुबई से बनवाएंगे आपका एक्सपेंसिव पड़ेगा, इवन कि आप जो सबसे सस्ता लाइसेंस सोल एस्टेब्लिशमेंट का है आप वो भी बनवाएंगे तो वो भी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। सिंपल इज़ दैट कि आप शारजा फ्री जोन में चले जाएँ, वहाँ पे डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, अलशम्स वालों के पास चले जाएँ, वो आपको 6,000 दिरहम में आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग का लाइसेंस बना के दे देते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग मीन्स कि आप इंटरनेट पर चीज़ें सेल करें, नून वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं, अमेज़ॉन वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक तो आप वो बनवा लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके जहन में ये होता है कि क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारे पास ट्रेडिंग का लाइसेंस ही होना चाहिए, तो उनको मैं ये बता दूँ कि आपके पास किसी किस्म का भी लाइसेंस है, खाली ट्रेडिंग का नहीं, आपके पास कंस्ट्रक्शन का है, टेक्निकल सर्विसेज का है, आपके पास लॉन्ड्री का है, सैलून का है, आपके पास कोई और लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस आप यूज़ करते हुए नून के ऊपर आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको उस लाइसेंस की ज़रूरत है, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। बैंक अकाउंट खोलना आजकल बड़ा डिफ़िकल्ट है UAE के अंदर, मैं किसी वीडियो में बताऊंगा कि कौन से प्रोसीजर अडॉप्ट करने चाहिए कि आपका बैंक अकाउंट इजीली वहां पे ओपन हो जाए। और उसके बाद आपको वहां पे कैंसिल चेक की कापी की ज़रूरत होती है या बैंक के लेटर की ज़रूरत होती है कि हाँ जी इनका अकाउंट हमारे पास है और ये उसका IBAN नंबर वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें मैच करती हैं, फिर आपका अकाउंट नून के ऊपर खोलता है। मगर उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेट मी रिपीट इट अगेन, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट इफ़ यू वांट टू गो विद द नून लाइसेंस, सो डोंट गो विद दुबई लाइसेंस, यू कैन टेक इट फ्रॉम शार
Sharjah, which is the cheapest one. And the second thing is that if you have any category license, even this is construction or technical or cafe or anything, you can drive with this. You can open your own business account with the help of these licenses, and you can start your own business. In case of any issue, aapko ke further information chahiye, please just drop in the review section, drop in the comment section, so I will respond properly. Thank you very much. Allah Hafiz. Take care.